नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंडियन कॉइन मिल में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 रुपए के ऐसे ट्रैक्टर वाले कुछ कीमती नोटों के बारे में। और इससे पहले हम आप सभी का धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि जल्द ही हमारा चैनल 1 मिलियन सब्सक्राइबर के पार पहुँचने वाला है। तो इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अपना प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए। तो आज हम बात करने वाले हैं इस 5 रुपए के ट्रैक्टर वाले नोट के बारे में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे और कौन से वो नोट हैं जो आपको इसमें सबसे ज़्यादा कीमत दिला सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, समय समय पर हम आपको कई सारे नोटों और सिक्कों की जानकारी देते रहते हैं और ऐसे ही कुछ रेयर सिक्कों और नोटों के बारे में इनकी कीमत के साथ आपको बताते रहते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 रुपये के इस ट्रैक्टर वाले नोट के बारे में। दोस्तों, ये नोट जो है 2 वेराइटीज़ में जारी हुआ है। एक है नॉर्मल वेराइटी, जिस पर आप अशोक स्तंभ को बना हुआ देख सकते हैं, जबकि दूसरे नोट पर आप महात्मा गांधी जी की तस्वीर को देख सकते हैं। ये 2 वेराइटी के नोट काफ़ी समय से चल रहे हैं और आज के समय में भी ये चलन में बने हुए हैं। पर इनमें से कुछ ऐसे नोट भी हैं जो काफ़ी ज़्यादा रेयर हैं और समय के हिसाब से भी नोट की कीमत काफ़ी ज़्यादा बढ़ती रहती है। तो इनमें से ऐसे ही नोट हैं एरर वाले नोट। दोस्तों, ऐसे ही कुछ नोटों को 25 से 50,000 रुपये तक में भी सेल किया गया है, क्योंकि इनकी वैरायटी इतनी ज़्यादा रेयर है और इन पर एरर भी काफ़ी ज़्यादा है। आप कुछ नोटों की तस्वीरें स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन नोटों पर छपाई के दौरान काफ़ी सारे एरर आए हुए हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कुछ नोट जो हैं इसमें काफ़ी सारे डिफरेंट एरर्स आए हुए हैं। तो ऐसे ही डिफरेंट नोटों के हिसाब से इनकी कीमत का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। एरर जितना बड़ा होता है नोट पर, उतनी ही ज़्यादा इसकी कीमत होती है। और इसके साथ ही आपका नोट भी जितना पुराना होगा, उसके हिसाब से आपको इसकी ज़्यादा कीमत मिलेगी। तो दोस्तों, क्या आपके पास भी ऐसे कोई एरर वाले नोट हैं? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और साथ ही हमें ये भी बताएँ कि नोट पर किस गवर्नर के हस्ताक्षर हैं। और अगर आपके पास ऐसे कोई नोट हैं जिन्हें आप सेल करना चाहते हैं, तो हमने पिछली वीडियोस में भी उसकी जानकारी दी हुई है कि आप कहां और कैसे इन नोटों को सेल कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारी वेबसाइट indiancoinmill.com पर आकर आप अपने पुराने नोट और सिक्कों के एड्स पोस्ट कर सकते हैं और अपने नोटों और सिक्कों को सेल करवा सकते हैं। हमारी वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं और अपने एड्स पोस्ट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और साथ ही अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद एक घंटी बन के आएगी, उसे भी आप ज़रूर क्लिक करें, ताकि जैसे ही हम नई वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन चला जाए और आप हमारी वीडियोज़ को सबसे पहले देख पाएँ। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आशा करता हूँ आपका दिन मंगलमय होगा।